बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया सेफ्टी में। आज हम सीखेंगे यूनिट टू में बावले के विषमता गुणांक। बावले के विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए करके आपको क्वेश्चन मिल सकता है आपके एग्जाम में। वैसे ही यूनिट टू से चतुर्थक, प्रमाप विचलन, इनके क्वेश्चन हमेशा आते हैं, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी का मन हुआ किसी हटकर के टॉपिक को पूछने का, तो कार्ल लेपेसन का विषमता गुणांक या बावले का विषमता गुणांक, ये सब चीज़ों को पूछ सकता है। इसमें दोनों होते हैं, कार्ल लेपेसन का भी होता है, बावले का भी होता है। तो बावले का विषमता गुणांक क्या होता है वो बताता हूँ। बावले के विषमता गुणांक का सूत्र होता है ये, जिसको जे क्यू से आपको दर्शाना होता है लास्ट में। इसके लिए आपको क्यू थ्री चाहिए, क्यू वन चाहिए, क्यू टू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, क्यू थ्री में क्यू वन को जोड़ेंगे और क्यू टू को घटाएंगे, लेकिन टू का गुणा करके दुगने को। तो क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू क्यू टू डिवाइडेड बाई क्यू थ्री माइनस क्यू वन, ये इसका सूत्र होता है। तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर ये फार्मूला अपनाना है तो क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, ये तीन चीज़ें निकालना है। तो अगर क्वेश्चन दो आंकड़ों का इस तरह से, अब एक आंकड़ों का तो देगा ही नहीं, 15 नंबर का क्वेश्चन एक तो दिया जाएगा, तो ऐसे दो आंकड़ों के क्वेश्चन दिया जाएगा। दो आंकड़े का मतलब ये होता है ऊपर में वर्गांतराल होना चाहिए 0 से 10, 10 से 20 या 5 से 10, जैसे कि 15 से 25, 25 से 35 है, तो ये एक गैप वाली संख्या होगी, सभी में 10 का डिफरेंस होता है। नीचे में कुछ भी एक और आंकड़े दिया जाएगा जिसको आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऊपर में क्लास होता है, नीचे एक फ्रीक्वेंसी होता है। जो भी क्लास होगी, वर्ग होगी, उसको लाइन से लिख लेना है, जैसे कि 15 से 25 लिख दिया गया, 25 से 35 लिख दिया गया, है ना। इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि और स्पष्ट और अच्छा दिखे, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, जो भी आंकड़े हमें पहले से उपलब्ध कराया जाए ऊपर में, उनको लाइन से यहाँ लिख लेना है। नीचे में जो कॉलम है एफ फ्रीक्वेंसी, उसको एफ बोल करके, आवृत्ति बोल के यहाँ पर लिख लेना है। अब जो अगला कॉलम होता है वो संचय आवृत्ति का होता है। संचय आवृत्ति इसमें बनाना पड़ता है, जिसमें पहला अंक जो भी होगा फ्रीक्वेंसी का, उसको उठा के सीधे यहाँ लिख दो। लेकिन दूसरा अंक कैसे आता है, इसको दूसरे वाले अंक में इसमें से जोड़ना होता है। तो एक में तीन जोड़ो चार होगा, यहाँ चार आया। आप चार को इसमें जोड़ो तो चार सात ग्यारह होगा, तो ग्यारह आया। ग्यारह में ग्यारह जोड़ो 22 आएगा, 22 में पाँच 27, 27 में तीन 30 आया। तो संचय आवृत्ति कैसे बनती है, पहले वाले डिजिट को ऐसे ही लिखना और दूसरा दूसरे में जोड़ के, तीसरा तीसरे में जोड़ करके यहाँ आते जाएगा। अब आपको पदों की संख्या चाहिए, मतलब एन का मान चाहिए, ठीक है। तो एन का मान यहाँ पर जो इन सबका टोटल करने से आएगा वो होगा, वैसे इन सबका टोटल करने से यहाँ 30 आया है, वही एन का मान होगा 30। अब आपको क्या करना है, इसमें Q1 ज्ञात करना है, क्यू टू, क्यू थ्री, वो ज्ञात करने के लिए आपको ये पहले स्मॉल Q1, Q2, Q3 निकालना पड़ेगा। इनको निकालने के लिए आपको लिखना होगा स्मॉल Q1 बराबर n बाई फोर, क्योंकि ये चतुर्थक के बेस पे बनता है, और Q2 निकालने के लिए यही n बाई फोर रहेगा, लेकिन सामने में 2 लिख देंगे। जब Q3 निकालेंगे तो यहाँ पर 3n बाई फोर करेंगे, तो जब 1 निकलेगा तो केवल n बाई फोर, 2 निकलेगा तो 2n बाई फोर, 3 निकलेगा तो 3n बाई फोर, अगर 4 निकलता तो 4n बाई फोर होता, ठीक है। वैसे तीन ही चीज़ चाहिए। तो n का मान 30 है, 30 बटे 4 करेंगे तो 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, ठीक है। यहाँ पर 30 और 2 का गुणा करने से 60 हो जाएगा, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15 आ जाएगा। यहाँ पर 30 ते 90, 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5, ये तीनों निकला। अब इस पहले वाले मान को चेक करेंगे कि ये किसके अंतर्गत आएगा, तो जो 7.5 है वो संचय आवृत्ति में 22 के अंतर्गत आएगा। तो जिसके अंतर्गत आता है इसके ठीक ऊपर वाले को हम लेकर के बनाते हैं, तो जो 7.5 है वो 22 के अंतर्गत आएगा, सॉरी 11 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि देखो एक में तो नहीं आएगा, वो छोटा है, चार भी छोटा है उससे, लेकिन 11 जो है वो 7.5 से बड़ा है, तो इसके अंतर्गत आएगा। जिसके अंतर्गत आता है उसके ठीक ऊपर वाले को हम सी बोलते हैं, तो यहाँ पर सी का मान 4 हो जाएगा। 11 के ठीक सामने 7 है तो F का मान 7 हो जाएगा। L1, L2 इनको लेंगे जो उसके ठीक सामने में है 35 और 45। तो देखिए जब आपको प्रथम चतुर्थक निकालना होगा एक्चुअल में Q1, तो आपको ये सूत्र लिखना पड़ेगा L1 प्लस Q1 माइनस C डिवाइडेड बाय F इंटू आई। तो L1 का मान क्या निकला बच्चों इसमें, 35, तो देखो L1 की जगह 35 रखा है। Q1 का मान क्या है जो कट के आया था 7.5, तो ये 7.5। सी का मान क्या है, ये जिसके अंतर्गत आता है उसके ठीक ऊपर वाले को सी बोलते हैं, तो 4 यहाँ पर सी का काम करेगा, इसलिए सी की जगह 4। F का मान क्या था जो 11 के सामने 7 है, तो वो F की जगह 7 लिख देंगे। I क्या होता है, ये वर्गांतराल जो दिया गया इनका डिफरेंस, इनमें सभी में 15 से 25, 25 से 35 में 10 10 का गैप है, तो यहाँ हर I की जगह आपको 10 लिखना रहेगा।
अब 7:30 में अगर आप 4 घटाते हैं तो 3:30 बचेगा। 3:30 को 10 से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 होने के बाद 7 एकम 7, 7 5 35 कर देगा तो सिर्फ 5 आएगा। तो इस 35 में 5 जुड़ेगा तो बच्चों 40 जाएगा। आपने Q1 निकाल लिया 40। अब इसी तरह से आप Q2 निकालेंगे तो Q2 को चेक करेंगे 15 है। 15 किसके अंतर्गत आ जाएगा? 22 के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि 11 उसे छोटा है। तो वो जिसके अंतर्गत आता है शुरू से चेक करते हुए उसके ठीक ऊपर वाले को सी कहेंगे। 22 का सामने वाला यहाँ एफ हो जाएगा, ये L1 L2 हो जाएगा। तो यहाँ पर L1 का मान 45 है, एफ का मान 11 है और सी का मान 11। तो देखिए जब Q2 निकाला जाएगा तो ये सूत्र लिखा जाएगा कि Q2 बराबर L1 प्लस Q2 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ इंटू वाई। मतलब सब कुछ वही है, जहाँ Q1 वहाँ था, यहाँ पर आ जाएगा Q2। Q2 का मान आपका 15 आया था कट करके, तो आप यहाँ 15 लिखेंगे इस तरह से। सी का मान 11 है, L1 का मान 45 है, आई का मान 10 और एफ का मान 11। 15 में 11 जाएगा 4 बचेगा, 10 जुड़ा करेगा तो 40 हो जाएगा। अब 40 को 11 से भाग देंगे तो 3.64 निकलेगा। भाग दे के देखो 45 में उस 3 को जोड़ेंगे तो 48.64 आ जाएगा। ये आपने Q2 निकाला। अब आप Q3 निकालेंगे। Q3 किसके अंतर्गत आएगा? 22। 22 जो है वो 27 के अंतर आएगा, क्योंकि 22 से वो थोड़ा दिखा, 22.5 है, तो इसके अंतर्गत आएगा। तो अब ये सी हो जाएगा, 22 और 27 के सामने 5 है, ये एफ हो जाएगा और ये 55 है L1। तो आप देख लो Q3 में L1 का मान 55 रखा गया है ना, क्योंकि 55 था। Q3 का मान आपका जो 22.5 है, सी का मान 22 होगा, एफ का मान उसमें 5 है, आई का मान 10। 22 और 22.5 और 22 कटेगा तो 0.5 बचेगा, जिसको 10 से गुणा करके इसको सिर्फ 5 लिखेंगे। 5 से 5 कटेगा तो मतलब 55 आपका, 55 से 55 जब कटेगा, और सॉरी 5 से 5, 5 एकम 5 तो 1 आएगा, 55 में जुड़ेगा बच्चों तो 56 आ जाएगा। जब आपने ये सब निकाल लिया Q1 Q2 Q3, तो अब आपको बावले का विषमता गुणांक का सूत्र लिखना है, जो कि ये होता है। इसको मैं और जूम करता हूँ ताकि आपको और कुछ भी ना दिखे सिवाय इसके, ठीक है। तो विषमता गुणांक का ये सूत्र होता है, जे क्यू से दर्शाते हैं बावले के विषमता गुणांक को। जे क्यू बराबर, या हिंदी में लिख सकते हो बावले का विषमता गुणांक बराबर Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। Q3 बच्चों 56 है, Q1 40 है ना, हमने अलग अलग याद कर लिया है। 2Q2, तो Q2 हमारे पास 48 निकला था, 48 को 2 से गुणा करेंगे तो इसलिए 2 × 48.64 बटे Q3 का मान 56, Q1 का मान 40। अब देखो इन कंडीशन में पहले आप गुणा को सॉल्व करते हैं, है ना। तो इन दोनों को गुणा पहले करेंगे तो ये हो गया आपका 97.28। आप 2 से पूरा गुणा करके देखिए, इन दोनों को अब आप जोड़ सकते हैं तो ये दोनों जोड़ करके हो गया 96। 96 और 97 घटा तो माइनस में 1.28 बचेगा, और ये दोनों घट के 16 बचे। अब आप 1.2 को 16 से भाग करेंगे तो 0.08 आपका आंसर लगभग, और भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन इतना ही अंक आपको आंसर के रूप में इसको लिख लेना है। ये होता है बावले का विषमता गुणांक। तो कुल मिला के याद ये रखना है आपको, Q1 Q2 Q3 निकालना है। ये सभी आपको चतुर्थक में मैंने सिखाया है, जिसका वीडियो आपको बिजनेस स्टैटिक्स या स्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, और नहीं मिलता तो कमेंट कर देना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बावले के विषमता गुणांक के क्वेश्चन आपको बनाना है। जिन बच्चों को क्वेश्चन चाहिए मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ, प्रश्नावली। प्रश्न संग्रह में बावले के विषमता गुणांक के क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ इस तरह से। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं ताकि आप सभी बच्चों को क्वेश्चन दिखे और आप लोग बना पाए, है ना। तो ये क्वेश्चन बावले के विषमता गुणांक के हैं, इन सबको आप लोग बना करके देखिए। कार्ल पियर्सन का बावले का, जिसका जिसका पूछे, बावले का शायद ये नीचे से शुरू हुआ है, है ना। तो ये क्वेश्चन बावले के हैं। अब ये बावले को आप लोग बनाइए, और बाल बाल के बॉल डंडा खाइए, ठीक। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय प्यारे बच्चों, टाटा।